नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त देख रहे हैं आप खबरों की दीवार सीजीवाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर। यहां मेरे साथ फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवा मिश्रा भी है और यहां पर आज सरगुजा संभाग से बहुत से शिक्षक आए हुए हैं। सबको मालूम हो चुका है कि वेतन विसंगति है, सरकार को, मीडिया को, सभी लोगों को मालूम पड़ चुका है। आज हम इनसे कुछ दूसरी बातें भी करेंगे। संक्षेप में जानते हैं यहाँ पर जो लोग आए हैं वो किस लिए आए हैं, आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम लोग अपने मुख्य मांग वेतन विसंगति को लेकर के हमारी लड़ाई शासन से चल रही है। बार बार होगी वेतन विसंगति, ये तो हमारे अधीनस्थ नहीं है सर, लेकिन हम लोग ये आशा अटके रहत अली गुलाब के मूल, अही हैं वे बसंत ऋतु वे डारन वे फूल, ऐसा मन में विश्वास है, पूरा विश्वास है। और नारा भी है कि भूपेश है तो भरोसा है, अगर भरोसा भर सकत कायम तो होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। ये इस आंदोलन की खासियत रही है कि मैं जिससे भी बात करता हूँ तो ये बात जरूर बोलता है, वो जुमला जरूर बोलता है, तो भूपेश है तो भरोसा है। सरगुजा संभाग से आए शिक्षक भी यही बात कह रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तिल्दा ब्लॉक से आया हूँ। तिल्दा ब्लॉक से, तिल्दा ब्लॉक से शिक्षक आए हुए हैं, इनका भी यही मानना है। सरगुजा संभाग से और कौन आया है भाई? आइए ठाकुर साहब आइए। आप भी सरगुजा से ही हैं? जी जी, सरगुजा। हाथी का क्षेत्र माना जाता है, हाथी प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। आप लोग कैसे स्कूल जाते हैं? आप लोग के स्कूल वगैरह के पास हाथी वगैरह आते हैं? आते हैं। हम लोग हाथी प्रभावित क्षेत्र के खासगढ़ में हैं सर। अपना कहाँ पे हैं? सूरजपुर जिला में प्रतापपुर विकास खंड है, हमारा बगड़ा ग्राम है और उस जगह से 10 किलोमीटर के आसपास में वहीं अड्डा है उनका। हर दिन किसी न किसी प्रकार का हम लोग को समस्या होता ही रहता है, चूँकि गन्ने का खेती होता है इसलिए हाथी लोग अस्थायी रूप से वहाँ डेरा डाले रहते हैं। बच्चों का सुरक्षा प्रथम प्राथमिकता में रखते हैं और इसलिए हम लोग जितने भी हमारे सहयोगी रहते हैं उनको हम बताते हैं कि नहीं, बच्चों को आप स्कूल तक पहुँचाइए और इसके बाद जब छुट्टी होता है तो हम उनको घर तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करते हैं। स्कूल में आते हैं हाथी? जी स्कूल में आते हैं, कई बार तो आकर के चावल भी खा गए और आकर के जो किचन सेट बना था किनारे उसको भी तोड़ दिए। मतलब स्कूल का किचन सेट भी तोड़ दे रहे हैं हाथी? जी किचन सेट आकर के तोड़ दिए और क्षति तो बहुत नहीं किया, जो बाउंड्री वॉल था हम लोग का उसको भी तोड़े और कुछ वहाँ पे लगाए थे फूल पौधा उसको क्षति किए थे। इस प्रकार से हाथियों का माने बिल्कुल खास गढ़ अगर आप सूरजपुर जिला में पता लगाइएगा तो सबसे ज़्यादा गढ़ हमारा ही है और वहीं पे जो है हाथी आते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, हमको तो पढ़ाना है बच्चों को, रोज दिन का यही कहानी है, हम उनके साथ धीरे धीरे जीने का अभ्यास कर रहे हैं, ये हमारा मजबूरी है। सरगुजिया भाषा की बातें ही कुछ निराली है, एकदम बड़ी मीठी लगती है एकदम। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं भी प्रतापपुर विकास खंड से ही हूँ और हाथी वाले क्षेत्र से। बिल्कुल बिल्कुल सर, धर्मपुर एक ग्राम है। हाँ, धर्मपुर के आसपास में ही 10-15 ग्राम है जहाँ मुख्यतः हाथियों का अड्डा वहीं रहता है। हम लोगों ने शासन से भी अभी निवेदन किया है कि थोड़ा सा बच्चों को पहले छोड़ने का भी प्रयास करें ताकि बच्चे सुरक्षित अपने घर तक जा सकें। किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी होती है उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की भी हो सकती है और हमारी स्वयं की तो है ही। मतलब आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र में जो स्कूल का जो टाइमिंग है परिस्थितियाँ देखते बदलाव किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा समय ठंड के मौसम में और हाथी प्रभावित एरिया है इसलिए 1 घंटा पूर्व अगर ऐसा सुनिश्चित हो सके तो शासन को इसमें अपना दखल अंदाजी करना चाहिए और लिखित में एक आदेश उस क्षेत्र के लिए होना चाहिए कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा पूर्व बच्चों को छोड़ सकते हैं। आज इस सहायक शिक्षक फेडरेशन के इस धरना स्थल पर एक बड़ी बात सामने आई है कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा शिक्षकों के भरोसे है, शिक्षक ही वहाँ भगवान है, शिक्षक ही वहाँ भगवान है और शिक्षक चाहते हैं कि वहाँ पर 1 घंटा पहले छोड़ दिया जाए। इस विषय पर कभी सरकार की ओर से बातचीत वगैरह की, कलेक्टर वगैरह को ज्ञापन प्रयास किया गया है, अधिकारियों के माध्यम से लेटर भी दिया गया है, उनको सूचना भी किया गया है। अभी जस्ट हम लोग कल निकल रहे हैं अपने गांव से होते हुए और एक जंगल में हम लोगों से हाथियों की मुठभेड़ हुई है। हाथियों से मुठभेड़ हो गई आपकी? इस मुठभेड़ के साथ हम लोग हाथियों से बाईपास करके साइड निकल करके और हमने अपना आंदोलन को प्रमुखता मानते हुए और रायपुर धरना स्थल पर हमने पहुंचा है और हमारी मांगे प्रमुख हैं, जायज़ हैं, शासन को जितना जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को सुनकर और हमारा जो वेतन विसंगति उसको पूर्ण करे। इसी के साथ मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जो हमारे विधायक प्रतापपुर से हैं। अच्छा, हाँ
ये शिक्षा मंत्री प्रतापपुर के क्षेत्र से भी आते हैं जी। प्रतापपुर क्षेत्र के हमारे विधायक डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी हैं, उनसे भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि हमारा वेतन विसंगति जल्दी से जल्दी दूर हो। साथ में ही हमारे सरगुजा के राजा महाराजा आदेंगे टी एस बाबा जी से भी यही निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा पत्र बनाया है उस घोषणा पत्र पे शासन से अमल करवाएं और हमारी वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर कराएं। तो ये शिक्षक हाथी प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं और हाथी मुठभेड़ हाथियों से आमना सामना कर कर यहाँ तक इस धरना आंदोलन में पहुँचे हैं। ये भी इनका एक ये भी आंदोलन के लिए यादगार उदाहरण है और हमेशा रहेगा कि शिक्षक यहाँ पर हाथियों से मुकाबला करते हुए आए।